हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। ये बहुत ही इजी सा चैप्टर है, इसका एक सवाल आएगा आपके स्कूल एग्जाम में, मेंस एडवांस में कोई सवाल नहीं आएगा। तो ईएमआई के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं ये हम आज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन। कोई भी जब आपको सवाल गिवन होगा, सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि एज्यूम द गिवन स्टेटमेंट टू बी पी ऑफ एन। स्टेटमेंट मतलब कि कोई इक्वेशन गिवन होगी या कोई आपको इन इक्वालिटी गिवन होगी, उसको आपने क्या मानना है, उसको आपने पी ऑफ एन से डिनोट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं साथ साथ एग्जांपल चला रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे, ठीक है। जैसे ये रिजल्ट हमें सबको मालूम है, वन से लेके एन तक इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। इस इक्वेशन को मतलब या इस स्टेटमेंट को आपने पी ऑफ एन मानना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको क्या मानना है, पी ऑफ एन, ठीक है। ओके, अब कुछ स्टेप्स हैं, तीन स्टेप्स हैं, वो आपने याद रखने हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हम ये तीन स्टेप्स ही फॉलो करने वाले हैं। पहला स्टेप क्या है, चेक द ट्रूथनेस ऑफ पी वन। चेक द ट्रूथनेस ऑफ पी वन, पी वन का मतलब एन को वन रख देना आपने, ओके। दोनों साइड एल एच एस आर एच एस दोनों में एन को वन रख दो। एन को वन रखोगे तो एल एच एस क्या आ जाएगा, वन। एन को वन राइट साइड पर रखो तो आ जाएगा टू इंटू वन बाई टू, दैट इज वन, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना है, n को जब हम 1 रखते हैं LHS में ना, PO1 का मतलब ये नहीं होता कि 1, 2, 3 से लेके 1 तक। PO1 का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड विल कंटेन ओनली वन टर्म, और वो वन टर्म कौन सी है, 1। तो 1 आ गया, RHS 1 आ गई, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब PO1 is true। यहाँ तक क्लियर है, पहला स्टेप हमने वेरीफाई कर लिया। अगले स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में आपने ना एज्यूम करना है कि ये ट्रू है, एज्यूम P of K is true, एज्यूम करना है। अब कैसे, n को यहाँ K रखो तो एल एच एस क्या बन जाएगा, वन से लेके के तक। आर एच एस में के रखो तो आ जाएगा के इंटू के प्लस वन बाई टू। ये हमने मान ही लिया कि ये ट्रू है, ठीक है, सेकंड में एज्यूम करना होता है। थर्ड स्टेप में आते हैं जो मेन काम है क्वेश्चन का। थर्ड स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू प्रूव पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। ये हमें प्रूव करना है यूजिंग द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप नंबर टू। जो रिजल्ट स्टेप नंबर टू में आया है उसकी हेल्प से हम पी ऑफ के प्लस वन ट्रू है ये प्रूव करेंगे, ओके। अब आप ये बताओ, अगर मैं n को k प्लस वन रखता हूँ, n को k प्लस वन रखो यहाँ पे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी, 1 से लेके k प्लस वन, और आर एच एस क्या आ गई, k प्लस वन k प्लस टू बाई टू। ये हमें प्रूव करना है, ये रिजल्ट प्रूफ करना है। और ये प्रूफ देखो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, एल एच एस लिख देंगे। एल एच एस क्या है, 1 से लेके k प्लस वन तक। 1 से लेके k तक का सम हमें ऑलरेडी पता है, k इंटू k प्लस वन बाई टू, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो इसका आंसर ये आ गया k इंटू के प्लस वन बाई टू, प्लस ये टर्म एज इट इज कैरी हो गई k प्लस वन। अब दोनों में से k प्लस वन कॉमन आ गया तो ये आ गया k प्लस वन k प्लस टू बाई टू, और यही प्रूव करना था हमें, इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए, फिर आप क्या लिख दोगे कि p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू वेन एवर p ऑफ k इज ट्रू, ये लिख देना आपने, p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू वेन एवर p ऑफ k इज ट्रू। उसके बाद फिर दोबारा ये लिख देना है, हेंस बाय पीएमआई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। हमें ये स्टेटमेंट जो है ना प्रूफ करना था कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो हमने वन के लिए चेक कर लिया ट्रू है, पी ऑफ के मान लिया, और पी ऑफ के प्लस वन प्रूव कर दिया यूजिंग स्टेप नंबर टू, ठीक है। अब आप ये देखो ना, अगर मैंने के को यहाँ वन रखा तो वन जो है टू के लिए इंड्यूस करेगा, है ना, और टू जो है वो थ्री के लिए इंड्यूस करेगा, थ्री जो है फोर के लिए इंड्यूस करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह हमने सारे नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूफ कर दिया कि ये रिजल्ट सही है, ओके। पीएमआई के ना कुछ टाइप्स होते हैं, जो भी आपको सवाल आएगा वो उन टाइप्स के बेसिस पे ही आएगा। इसके जनरली तीन टाइप्स होते हैं। टाइप वन इज ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा और आपको बोला जाएगा प्रूफ करो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। डिविजिबिलिटी टाइप, दैट इज टाइप टू, एंड थर्ड इज इनइक्वालिटी टाइप, दैट इज टाइप थ्री, ठीक है। इन तीनों टाइप्स में हमें ऑब्वियसली तीन स्टेप्स फॉलो करने हैं। पी ऑफ वन, पी ऑफ के को एज्यूम किया, पी ऑफ के प्लस वन को प्रूव किया, ठीक है। हालांकि ये भी जरूरत पड़ सकती है कि हमें कुछ टर्म्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना पड़े अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, ओके। चलिए टाइप वन डिस्कस करते हैं। टाइप वन इज ऑफ इक्वेशंस, आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि इसको प्रूव करो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके। पहला सवाल क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, वन स्क्वेयर से लेके एन स्क्वेयर इक्वल टू, ये भी रिजल्ट हमें याद ही है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स,
ये हमें प्रूव करना है यूजिंग इंडक्शन. अच्छा वो तीन स्टेप्स रिकॉल करो. सबसे पहले हमने क्या काम करना होता है, पी ऑफ एन मानना है कोई भी इक्वेशन को पी ऑफ एन. ओके उसके बाद पहला स्टेप क्या था, एन को वन रखो. हाँ जी एन को वन रखो तो पी ऑफ वन एक टर्म आएगी और वो एक टर्म कौन सी आएगी, वन स्क्वायर. वन आ गया, इधर वन रखा, इधर भी वन आ गया. तो एल एच एस आर एच एस दोनों बराबर हो गए. इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ वन इज ट्रू. ओके पहले स्टेप कंप्लीट, ठीक है. अब दूसरे स्टेप पे आते हैं. दूसरे स्टेप में हमें एज्यूम करना होता है कि पी ऑफ के ट्रू है. तो हमने एन को के रखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड के स्क्वायर तक जाएगा और राइट साइड क्या बन जाएगा, के इंटू के प्लस वन, टू के प्लस वन बाई सिक्स. ये मान लिया कि ये सही है. ओके अब थर्ड स्टेप पे आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है. थर्ड स्टेप में क्या करना है, एन को के प्लस वन रखना है. अच्छा यहाँ पे रखना है एन को के प्लस वन, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर और राइट साइड ये बन जाएगा. अब ये प्रूफ करना है हमें एल एच एस आर एच एस के बराबर है, ये प्रूफ करना है. तो प्रूफ करना है कैसे, आपने पहले एल एच एस को दोबारा लिख लेना है यहाँ पे वन स्क्वायर से लेके के प्लस वन होल स्क्वायर. अब जो मैंने रेड बॉक्स में मार्क किया है ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है, ये है ना स्टेप नंबर टू से ये रिजल्ट उठा के हमने यहाँ रख दिया. अब इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया के प्लस वन, तो मैक्सिमम टर्म्स कॉमन निकाल लिया करो, ठीक है. जब भी ऐसा सवाल है के प्लस वन कॉमन आ गया, सिंप्लीफाई किया, फिर एलसीएम लिया, ये बन गया टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स. उसको फैक्टराइज कर दो, दैट विल बी के प्लस टू, टू के प्लस थ्री. तो आपका फाइनली ये रिजल्ट देखो आर एच एस से मैच कर गया कि नहीं, कर गया. सो इसका मतलब पी ऑफ के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू. तो लास्ट में क्या लिखना है आपने, इसके लास्ट में वो दो तीन लाइनें जरूर लिखनी है. क्या लिखोगे आप, के पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी ऑफ के इज ट्रू, हेंस बाय पी एम आई पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स. ये ठीक है, ये लाइन्स हमेशा लिखनी है आपने इसके बाद. ओके okay?